है और ये हनुमान जी की मूर्ति है। चलते किस प्रकार से अदर साइड निकल काम देने फॉलो पहुँच गए। फाइनली यस्सू अंदर चला गया यहाँ से और ये मेला है पूरा जो फिर लग रहा था बेहतरीन तरीके से चारों तरफ मेले की ओर। वो प्रदीप खड़ा फाइनली प्रदीप हमें मिल गया। तो फाइनली मिल गया प्रदीप। हेलो नमस्कार, यूके पहाड़ी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये काम देने के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए जो आज रोल लेते लेते हमारे पास आए। टिकट क्या लगाए? टिकट लगाए जो झूले के बाद दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पहुँच गए और हमने ले ली एक टिकट और यहाँ पर कहते झूलने वाले हैं और काफी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए। क्या है अरे वो कहाँ से झूले और टिकट मिला तो पूरी चारों तरफ दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफी लोग अपडेटेड है और मैं दिखाऊंगा यहाँ की जो है एक अलग ही चीज देखने को मिलेगी। और हमेशा हम यहाँ पर आए, तीन चार दिन से हम यहाँ पर शूट कर रहे थे और भी जगह हम चल रहे थे। अभी संस्कार मूवी आपने देखी बहुत ज्यादा चल रही, बहुत बेहतरीन, उसको सभी लोग प्यार से सपोर्ट कर रहे हैं। संस्कार मूवी कैसे चल रही है? सुपर हिट को देखिए, संस्कार मूवी देखी मिलेगी। हाँ देखिए, मजा आ रहा है। वही वाला डायलॉग है, रात का गहरा दिन में दिखे। तो हम यहाँ पर मेले में भी आए तब भी हम आपके उसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो चले किस पर मिला मिलेगा, काफी बेहतरीन तरीके से दिख रहे हैं। लोग इसका आनंद उठाते हैं। अर्जुन का डिसाइड हो गया कि भाई मैं इस ट्रेन में झूलूंगा। है अर्जुन, अर्जुन किस में झूल लेगा? ट्रेन में पक्का, देख ले अभी चांस है, अभी चूज कर सकता है। ट्रेन पक्का, चल देखते हैं। ट्रेन रुक गई है, अब चलते हैं इसमें। भैया टिकट है इसकी, देख लो क्या चक्कर है इसका, किस सिस्टम है, कहाँ से। चलिए ले बैठाइए, ले टिकट ले। चलिए चलते दिखाते हैं यहाँ पर कितने सारे क्राउड है, कितने लोग हैं। और टिकट ले, यहाँ से टिकट दिखा दो और टिकट लो। चाह अंटे जा, तो यहाँ से टिकट ले लिया अर्जुन ने। अब जा रहा है अर्जुन जहाँ पर झूल लें। चाह अंटे जा, तो अर्जुन यहाँ पहुँच गया। देखते हैं किस प्रकार से अर्जुन जाने वाला झूल लें। और यहाँ ट्रेन के लिए तैयार हो गया है और अर्जुन अब जा रहा है वहाँ पर मेले के मजे लेने। और हम चाहते थोड़ा सा कैप्चर करें दूर से। तो फाइनली यहाँ पर देखिए मगरमच्छ का स्टाइल है यहाँ पर, काफ़ी यहाँ करने वाले यहाँ पर। और भाई हमारे लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इस मेले के मजे ले रहे हैं और आनंद में होने वाले यहाँ पर। सफर ले लूँ थोड़ा सा ले लूँ, तो देखिए किस प्रकार से शॉट है यहाँ पर और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। और एक अलग ही मजा है और सबसे लास्ट में बैठा है छोटा सा बच्चा है। भाई कैसा लग रहा है तेरे को यहाँ पर? एकदम ओके। क्या कर रहे हैं? झूलने आया हूँ। तो पक्का, तो यहाँ पर काफ़ी लोग उपस्थित हैं, मैं थोड़ा दिखाऊँ। और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक बेहतरीन, ये छोटा सा बच्चा क्या डर रहा है भाई, क्या बात हो गई, डर लग रहा है? नो नो यस। देश विदेश से ही पहुँचे हुए हैं और थोड़ा सा मैं रिव्यू दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पर थोड़ी देर में चलने वाली है और यहाँ पर पूरा क्राउड का क्राउड भरा पड़ा है, यहाँ पर पूरी भीड़ है। जिस तरह से रोज की रोज यहाँ पर राजविहार में हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। अरे भैया कितना क्राउड आ रहा है तो बताओ यार, बताओ कितना क्राउड आ रहा है दिल्ली का? कुछ आ रहा है, कुछ भीड़ होती है, आती नहीं आती पब्लिक? भीड़ सही हो रही है, ठीक है ठीक है। झूले में आ रही नहीं आ रही है? आ रही है फूल एकदम। तो यहाँ बता रहे हैं झूले में भी लोग आ रहे हैं काफी। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा झूला, फिर हम दिखाएंगे किस तरह से गतिविधि इनकी, थोड़ी सी दिखाएंगे तो ज़्यादा दिखाएंगे कि जिस तरह से ट्रेन एक तरह से ट्रेन है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर बैठे भाई लोग, तो यहाँ से स्टार्ट चल गई है। शेर हो गई, शेर है, शेर ने चला दिया, धक्का लग गया शेर को। तो यहाँ हो गई स्टार्टिंग शेर की और यहाँ पर लोग टाटा कर रहे हैं, एक बार टाटा कर दीजिए, हेलो टाटा। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से जा रही है ट्रेन और पूरा वहाँ तक पूरा है रोल उसका, एक ऊपर से लेकर नीचे तक जाने वाले हैं। और थोड़ा सा वाइब्रेशन जरूर कर रही है जगह पर। ये भाई हमारे जो झुला है कि नहीं, ये देखिए एक अलग ही आनंदमय माहौल बना पड़ा है यहाँ पर। बहुत तेजी में ट्रेन चल रही है, बहुत ज्यादा मच्छर भी ज्यादा हो रहे हैं यार यहाँ पर। आज पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर मच्छरों की भीड़ होते हुए और इतनी। चलिए आनंद में मजा आ रहा है यहाँ पर बच्चों को हमारे। यार कभी हमें भी बचपन में छोटे छोटे होंगे, कभी हम भी ऐसे झूलते होंगे, लेकिन यार आज एक मतलब यार याद आती है पुरानी चीज़ें। भाई याद आती है ना कि भाई हम भी हम यार बहुत अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे। चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से। नमस्कार जी, कहाँ से? उत्तराखंड से। कहाँ की जगह? हम अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा, हाँ। अच्छा, संस्कार मूवी देखी अब तक? हाँ देखी। संस्कार मूवी कब देखने गए थे? संस्कार मूवी तो देखी नहीं वैसे। तो फिर जाके संस्कार मूवी देखो ना।
यहाँ पर काफ़ी अच्छी बैठक रखे, काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं थोड़े से उत्तराखंड के क्षेत्रवासी भी यहाँ पर मुझे मिले, थोड़ा घबराते जरूर मिले। और जिस प्रकार से यहाँ मेला डे बाई डे टू चल रहा है यहाँ पर, और अलग ही मज़ा है यहाँ पर। जिस प्रकार से हमारे बीच में भी ये हमारे एक कलाकार हैं, जिसको कहते हैं हमारे हमारे क्या नाम है भाई, नाम भूलिया, तुम्हारा नाम बताओ यार। प्रदीप नेगी यहाँ पर है हमारे बीच में, और यहाँ पर काफ़ी कलाकार शानदार हवा देते हैं। जब तक जो संस्कार मूवी ने काफ़ी अच्छा एक कवाया है, लेकिन आज मैं हूँ कामधेनु जहाँ रामलीला हो रही है, और यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है बहुत शानदार। मैं चाहूँ तो थोड़ा कैप्चर करूँ तुम दिखाऊँ, और बच्चे भी झूलते नजर आए। इस झूले में बैठा है अर्जुन पीछे की तरफ, तो हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। चले देखते हैं, जाते बातें नहीं करते और भी दिखाते हैं यहाँ पर लोगों से बातें करते हैं। यहाँ पर अगर कोई लोग हमसे बातें करना चाहेंगे, कुछ बातें करना चाहोगे दीदी? नहीं बस। अच्छा सुनो, आपने देखा बेटा वो, देखिए आपने क्या कहते हैं संस्कार मूवी देखी? नहीं अभी गए नहीं तो फट आपके नजदीक के मॉल में लग गई। अब यहाँ पर BS3 में लगे लक्ष्मी नगर में, ठीक है जाके देखना, ठीक है वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से हमारे देखो उत्तराखंडी वासी थोड़े शर्म से जब लगते हैं, लेकिन क्या करें, लेकिन हम जो यहाँ पर हैं कैप्चर करने, थोड़ा सा दिखाएं आपको किस प्रकार से यहाँ पूरी क्राउड का भी भीड़ है, और बच्चों का नाना प्रकार झूले जो खाली हाथ चल रहे हैं दिख रहे हैं, और चारों तरफ एक नज़ारा दिखाऊंगा थोड़ा सा। यहाँ पर क्राउड देखो कितने चक्कर हो गए भाई, कितने चक्कर हो, पता नहीं कितने चक्कर हो रहे हैं इसमें, 1-3 हो रहे हैं। कितने चक्कर हैं? 10 चक्कर हैं। क्राउड बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से राम की लीला यहाँ दर्शाई जा रही है, दिखाई जा रही है, और काफ़ी चीज़ दिखने को मिल रही है यहाँ पर, और बहुत से लोग हैं यहाँ पर। छोटा क्या बोल रहा है भाई? ये आज झूले में आए होंगे, वो इतने सारे झूले लगे हुए इधर। आज झूले में ये नाव वाला झूला लगा, एक गो ये बड़ा वाला लगा है, एक ये लगा ड्रैगन स्लैम्बो ब्रेक डांस। मैंने ये नाव वाला झूला है, एक ये बड़ा वाला। रामलीला देखते रहे यहाँ पर, काफी लोग उपस्थित हैं। यूके पहाड़ी ब्लॉक मिला, यूके पहाड़ी, हाँ देखिए किस प्रकार से देखने को यहाँ पर मिला, काफी उपस्थित छोट लोग हैं। और यहाँ पर थोड़ा दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर कुछ बॉलों से यहाँ पर इंसान को निशाना मार रहे हैं, अंकों को जोड़ना शायद, तो जैसे अंक हो जाएंगे मैच हो जाएंगे तो शायद इनको कुछ ना कुछ मिलने वाला है यहाँ पर, तो अभी पता नहीं क्या क्या गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट हैं और काफ़ी पब्लिक है। और यहाँ पर जो कामधेनु रामलीला में एक अच्छा सा ऐतिहासिक चीज़ दिखाया गया यहाँ पर, और ये कैसा लग रहा है यहाँ की रामलीला कैसी लग रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो अभी क्या क्या दिखा रहे हैं, आप पहली बार आए या नहीं? नहीं नहीं, पहले भी आया हूँ, पहले भी। क्या दिखा रहे हैं इसमें? पहले से तो बहुत काफ़ी अच्छा है इस बार, पिछले बार तो थोड़ा ज़्यादा वो सब कम दुकानें वगैरह थी, इस बार ज़्यादा है और अच्छी लग रही है। कहाँ कहाँ झूले झुलाए? अभी झूला झुलाए मंदावली तालाब चौक है, वहाँ पे भी झूला है, यहाँ भी लेके आए हैं अभी। पापा को डिमांड कर रही, पापा क्या डिमांड कर रही पुस्तकों से भाई? क्या मांग रहे हो आप? क्या मांग रहे हो, क्या चाहिए पापा? सब मिलाए, क्या लेना है? जय श्री राम, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ दिखाऊँ, यहाँ पर काफ़ी क्राउड भी आता है, धीमे धीमे पहुँचे हैं अभी लोग, और एक अलग ही मंजर आता है जब हम राम की स्तुति और राम के नाम का स्मरण करते हैं, जाप ताप चलता है, और यहाँ पे काफ़ी एक अलग ही मज़ा आ जाता है। इसी तरह जिससे जैसे दिन यहाँ घटते जा रहे हैं, वैसे जैसे रामलीला का एक अलग ही जिससे नजर आता है, जैसे ताड़का आपने देखा होगा, तार का हरण है, और यहाँ पर खाने पीने का सारा सामान रखा है, एक तरह मसाले साले सारी चीज़ें, और हम चाहते हैं यहाँ दिखाएं तो आपको सारी चीज़ें, अभी अपडेट भी करेंगे और किस प्रकार से हैं। काफ़ी क्राउड यहाँ पब्लिक से आती जाती हुई नज़र आ रही है, और ये कैसी है बताओ रामलीला, कैसी लग रही है आपको? फिर आगे देखिए, अभी आप पहली बार आ रहे हो, बताओ पहली बार आ रहे भाई रामलीला देख रहे हैं? इससे पहले भी आए हो? नहीं पहली बार आ। तो कैसा एक्सपीरियंस है पहली बार का? बहुत बढ़िया सर, एकदम मनभावक एकदम दृश्य है। अभी हार क्या है? ये देखो हैंग हो रहा था, तो एक सेकंड में नहीं टिक पाया। अच्छा, आज जबकि शादी होने वाली है। अच्छा, शादी होने वाली है, बहू आने वाली है, बहू आने वाली है, फिर हार गया है, एनर्जी नहीं है, कहना क्या मतलब है। देखिए तो किस प्रकार से यहाँ पे देखिए, काफी लोग अभी भीड़ है, सारे पहुंचे हैं। मैं चलता हूँ धीरे धीरे आगे चलते हैं, और आगे भी पूछते हैं लोगों से किस प्रकार की यहाँ पे, और यहाँ पर एक अनेक प्रकार के आपको खिलौने मिलेंगे जो भैया देते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए चलते, ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा दिखाते हैं यहाँ पर किस प्रकार से चलते रहते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और देखने को सारी चीज़ मिलेगी यहाँ पर, और चलते थोड़ा दूर का भी नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये देखिए पूरा दूर से वहाँ से लेकर गेट से एंट्री हो रही है, लोग धीमे धीमे करके आ रहे हैं। चलो चलो चलते हैं, दिखाते हैं और भी दिखाते हैं। हमारे अम्मा आ गई हैं, कैसे लग रही है अम्मा रामलीला? देखो बहुत अच्छी हो रहे हैं। कौन करा रही है?
ये कुंदी भंडारी क्या ओ भला। अरे 2014 से आ रहे हम होय और क्या ना ना झूला खेल रहे हैं। मैं डरती हूँ झूले से नाजिल झूला 3 बार देख चंक जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड। थोड़ा सा ग्रीन रूम में दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ किरदार तैयार हो रहे हैं, कौन कौन किरदार यहाँ पर हैं, उनसे थोड़ी सी बात की जाए अगर थोड़ा सा अगर समय है। शायद मुझे लगता है नहीं भी मिल पाएंगे, कुछ लोग किरदार अभी है नहीं भैया यहाँ पे, तो किरदारों से ही बात करते हैं यहाँ पे। और ये रामलीला बताइए, आपसे मतलब किस नाम से ये रामलीला हो रही है बताइए? काम दिन रामलीला है। काम दिन कौन करा रहे हैं ये? डॉक्टर कुलदीप भंडारी जी। तो कैसे लग रहा है यहाँ का माहौल जिस तरह से? पिछले 11 सालों से हमने रामलीला करी। बिल्कुल। और इस टाइम 11वीं रामलीला है ये। अच्छा। और इस टाइम भी बहुत बढ़िया चल रही है। अरे हमारी रामलीला प्रभु की कृपा है, राम की कृपा है, बहुत बढ़िया चलेगी। आज क्या होने वाला है यहाँ कुछ आइडिया? आज हमारे बजरंग बली का आशीर्वाद है। अच्छा। हमारे बजरंग बली आज इस स्टेज पहुँचेंगे, हमारे पंडित जी हमारे बजरंग बली का स्वागत करेंगे और उनका जो आशीर्वाद होगा बजरंग बली का वो प्रभु राम के सेवक थे। आज से हमारी रामलीला असल में शुरू है। असल में शुरू। चलिए काफ़ी अच्छा आपने बता रहे हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर और क्या क्या आज होने वाले, क्या क्या पार्ट्स होने वाले हैं? मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि माल मंत्री में हूँ, मुझे पता है कि भाई कपड़े मैंने देने सब कलाकारों को देना, लेकिन लिस्ट लगी हुई। लिस्ट लगा दिया आपने? हाँ, लिस्ट हर साल लिस्ट लगती है। इस टाइम पर मेरे गुरु जी हैं जिन्होंने मेरे काम सिखाया, पिछले 11 सालों से इस काम में लगा हूँ, निस्वार्थ निर्भय सिर्फ प्रभु की कृपा के उसे। चलिए एक बार बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक हमारे यहाँ पे बीच हनुमान जी हैं, जरा सा थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हनुमान जी से थोड़ी बात हो जाए तो बड़ा चलेगा। तो अभी हमारे बीच में आध्यात्मिक गुरु हैं जो सबसे पहले से नाम से शुरुआत करते हैं। सर आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम पंडित दिनेश चंद्र जोशी है, मैं यहीं बिनोद नगर में रहता हूँ, कुमारेश्वर में रहता हूँ, और यहाँ कामधेनु रामलीला में मैं आज 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पे पूजा पाठ और पहले मैंने कई सारे अभिनय भी किए, अभी मेरा पूजा पाठ का यहाँ काम है रामला मंचन में। तो किस तरह आज क्या क्या पात्र होने वाला है, कुछ आइडिया है? आज जो है सीता की खोज की जाएगी और हनुमान जी से राम जी का मिलन होगा, उन दोनों का संवाद होगा। तो आज जो है बानर की सेना जो है प्रभु राम को मिलेगी, तो काफ़ी मतलब अच्छा होने वाला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस एरिया में मतलब नंबर एक की रामलीला कामधेनु होती है, यहाँ पे अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो बहुत भंडारी होते हैं वहाँ, तो आराम से ही अच्छा ही होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रामलीला की बिल्कुल साक्षात लगे। हाँ जी, जी जी जी, आनंद में है, माहौल अलग अलग, बहुत ही सुंदर। तो ये जितने भी विनोद नगर के अंदर, ये जितने भी राज नगर के अंदर रहने वाले लोग उसका काफ़ी लुत्फ उठा रहे हैं। जी जी जी, ये एक प्रयास है हमारे कहते हैं क्या नाम सर का नाम भूल गया, कुलदीप भंडारी जी का। कुलदीप भंडारी जी ने ये प्रयास किया कि यहाँ के लोगों को राम की जो भी चीज़ है उसको दिखाएं और सिखाएं, उससे कट कट करें क्योंकि लोगों बहुत से लोग भूल चुके हैं चीज़ को। जी 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 जी, तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है इनका, बहुत अच्छा लगता है इसी प्रकार से करते रहे। और भी क्या आज क्या क्या होने वाला, सबसे बेस्ट क्या आपको? सबसे बेस्ट यार हनुमान जी का मिलन राम जी से होगा और वनवास में राम जो है सीता की खोज के, कल जो सीता हरण हुआ था आज वन में जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे, फिर सीता माता की खोज में आज हनुमान जी से मिलूंगा। मैन तो आज यही है इसमें मुख्य पद। हाँ संस्कार पिक्चर चली है, हाँ देखा है, बहुत सुंदर पिक्चर बनी हमारे उधर गढ़वाल, मतलब हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात है और PVR में भी लगी है, सबसे हमारे लिए गौरव की बात यह। कई सालों से मैं देखते आ रहा हूँ, लेकिन छोटे छोटे हॉलों में ही लगती है, लेकिन PVR में पहली बार लगी है और बहुत अच्छी पिक्चर है। संस्कार पर हमारे प्रेम थापा भाई साहब हैं उनका। हाँ जी, हाँ जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा प्रयास है उत्तराखंड के गौरव को बढ़ाने। जी जी, मैं सभी उत्तराखंडी भाई से यही कहना चाहूँगा, आप आओ और पिक्चर को देखो, अपने बच्चों को देखो, संस्कार जो इसी प्रकार हमें जो है आगे हमारे बच्चे भी यही कल्चर को आगे देखेंगे। जी आपका बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें अपने धन्यवाद धन्यवाद कार्तिक है। आकाश आज क्या क्या रोल कर रहे हो बेटा? आज हम वानर सेना में घुसे हैं। वानर सेना की सेना है, तो क्या करने वाला है तो आप? धूम मचाने वाले हो, धूम कर रही है, स्टेज को तोड़ने वाले हैं, स्टेज को तोड़ने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा है, मजा एंजॉय कर रहे हो? एंटरटेनमेंट कितना कर रहे हो? एंटरटेनमेंट कितना कर रहे हो? मजा आ रहा है हनुमान का रोल लेने में। तो अभी कितने मित्र आपके कर रहे हैं आज हनुमान का रोल? लड़कियाँ कर रही है, दो चार और भी है, बच्चे हैं या अभी कहीं है? हाँ उधर है, उनको बुला के लाओगे आप? हाँ बुला, चलो बुला के लाओ पहले, फिर बात करके आपसे।
तो यहाँ पे अर्जुन तैयार है इसके लिए रेडी, और काफ़ी लोग यहाँ पे घूम आए हैं, और यहाँ से भूत बंगले की स्टार्टिंग होगी, और जैसे गेट खुलेगा होने वाला है यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर मजे लेने इंजॉय कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूछूँ किस प्रकार से, और यहाँ से एंट्री द्वार है छोटा, ये आउट द्वार है सर भूत बंगले का। नज़दीक चलते हैं मेले के, जैसे जैसे नज़दीक चलेंगे और ऐसे देखेंगे कि कैसे होने वाला है, कितनी भीड़ और कितनी क्राउड है, और हम धीरे धीरे पहुँचते हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला है यहाँ मेला जो आज है राजविहार के अंदर विनोद नगर के अंदर, काफ़ी यहाँ पर क्राउड भीड़ है और पूरा बेहतरीन तरीके से यहाँ नज़र आ रहा है, और जिस प्रकार से एक अलग ही मंजर यहाँ नजर आता है, और सारे क्राउड वहाँ चलते आगे चलते हैं, थोड़ा आगे दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोग झूले के आनंद लेते हुए, कुछ झूले वैसे हैं बहुत बड़े बड़े झूले हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर चढ़े हैं झूले के ऊपर, ये एरोप्लेन जो है जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्राउड का एक अलग ही नज़र है यहाँ पर, और जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चों का एक उत्साह बड़ा रहता है कि भाई ये करना है, ये झूलना है, और आनंद में रहता है, और सारे लोग यहाँ पर जो हैं नॉन उत्तराखंडी उत्तराखंडी सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं, और बेहतरीन तरीके से आपको एक नज़ारा दिखा रहा हूँ, झूले पर झूले हैं यहाँ पर बहुत खतरनाक से खतरनाक जो यहाँ देखने को मिल रहे हैं आपको, ये देखिए इस झूले में भी डर लगता है लोगों को, लेकिन फिर भी झूले में बैठे हैं, ये एक्सपीरियंस कितना गंदा एक्सपीरियंस है इनका, झूले सारे हैं लेकिन यहाँ पर मज़ा आ रहे हैं इस प्रकार से, और काफ़ी भीड़ है, लोग झूलों का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर काफ़ी दूर से, और ऊंचे ऊंचे झूले आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं इस प्रकार से, ये झूला भी क्लोज है क्योंकि क्राउड डर रहा है बहुत ज़्यादा, और ये झूला एक बहुत बेहतरीन तरीके से दिख रहे नज़र आ रहे हैं, और मैं दिखाऊँ चारों तरफ का एक नज़ारा यहाँ पर, काफ़ी क्राउड काफ़ी भीड़ काफ़ी पब्लिक, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मज़ा, छोटे छोटे आ रखे हैं यहाँ पर घूमने, है भाई मज़ा आ गया, हेलो एक्सक्यूज मी मज़ा आ रहा है, झुलाया अभी किसी को नहीं है मेरे को भी है कि नहीं, झुला नहीं रहे लेकिन मज़ा दिला रहे हैं खूब है, दिखा दिखा के डर लग रहा है, कुछ गाना चाहोगे आप नहीं कहोगे, अभी कुछ कहना चाहते हैं मूड में नहीं है, जब मूड लाएंगे तब हमसे बात करना, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो दीदी आपको कैसा लग रहा है यहाँ का मेला, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या नाम है चैनल, मेरा यूके पहाड़ी लोग चैनल, मेरा उत्तराखंड का, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर मेला, आनंद में है, तो कितना भी कोई झूला झूला या खा लिया, नहीं डर लग रहा है, आप कहाँ करने वाले दीदी, वैसे बिहार का, तो कैसा लग रहा है, यहाँ राम की लीलाएं दिखाई जा रही है, और नाना अभी मैं वहाँ पे नहीं गई, अभी यहीं पे, अच्छा यहीं पर अभी नहीं झूला, अभी झुलाएंगे भाई साहब देखिए आप वीडियो बनाने में लगे पड़े हैं, भैया कह रहे हैं कि मैं वीडियो बना देता हूँ, ये छोटी सी प्यारी सी परी हमारे बीच में आई है, कुछ बोलना चाहोगे आप, यार बोल दो यार, थोड़ा सा तो बोल दो, हाई कर दो, अरे अभी थोड़ा बोल कोई आती पहचान लगी तो बहुत ज़्यादा बात करेगी, तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, बस से मैं चाहता कुछ लोगों से पूछता हूँ, नमस्कार जी कैसे, और कैसा लगा मेला आपको यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या सबसे बड़ी अच्छी लगा सर आपको, ये बच्चों के लिए झूले जो है, अच्छा बच्चों के झूले, आपने झूला नहीं झूला सर कोई बचपन की याद आपने ताजे की नहीं की, बताइए, ट्रेन का झूल लिया, ट्रेन वाला झूल लिया, ट्रेन झूला आपने, और आपने कौन सा झूला ही बताइए, हमने ट्रेन वाले, बचपन याद आ गया था, लेकिन आज हम इस उम्र में भी मजे ले रहे हैं, वही तो आज बच्चों की जिद की वजह से बच्चे ने बोला कि चलो चलो मम्मी जाना है, तो मैंने कहा चलो, आप किसी भी कारण से आप यहाँ पर आ रहे हैं, अच्छी बात है, बच्चों के माध्यम से आ रहे हैं, बचपन याद चला रहे हैं, वही लौटा के आपका जीवन है, दीदी आपको कैसा लगा, ऐसे मेले लगते रहने चाहिए ताकि बच्चों भी एक्सप्लोर कर सके, थोड़ा उनको भी मजा आए, हम भी अपने बच्चों के संग आए हैं, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, बस वो झूला भैया यहाँ जो रहे वो आ रहे, वो बच्चे दोनों वहाँ पर है, और भैया इनकी मम्मी यहाँ पर बैठी है, तो थोड़े मेले लगते रहे ना, तो लोगों को नया कुछ सीखने के लिए मिले, जो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बचपन जैसी यादें ताजा हो गई, हम लोग भी बैठे हैं दो तीन झूलों में, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा कि ऐसे हम छोटे छोटे करते थे, हाँ बिल्कुल, शैतानी वाले दिन याद आ रहे हैं, अपने अपने झूले, वो बड़े बड़े झूले जो है तो हमारे टाइम से ही चल रहे हैं, तो ये सब याद आ रहे हैं, अब ये लोग जिद कर रहे हैं, अब इनको झुलाने लाए हैं, अब इनके बारे हम भी एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो राम की स्तुति भी हो रही है यहाँ पर, और साथ में एंजॉय भी हो रहा है, जी जी बिल्कुल, दोनों जय श्री राम बोल दिया जाए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, देखिए छोटी सी बच्ची आगे इसका भी एक्सपीरियंस पूछते हैं, बाबू आपका नाम क्या है, उर्वशी, उर्वशी कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, कौन से झूले आपने झूले यहाँ पर, अभी तो एक वो और एक यही झूला है, ये झूले सबसे बेस्ट कौन सा झूला लगा आपको, यही वाला था अभी तो, यही वाला, इसमें छोटा सा चक्कर है, उसमें तो बहुत मजा आ रहा है, दो चक्कर, उसमें इसमें तो राउंड किया, राउंड किया फिर वापस, तो अभी आपने क्या क्या किरदार यहाँ कुछ देखा है, रामलीला देखी आपने, अभी नहीं देखी, पहली बार यार, फर्स्ट टाइम का अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, आज हनुमान जी और राम जी का मिलन होने वाला है, तो चलिए देखते हैं, और आपका नाम क्या बेटा, गुनगुन, अवनी,
क्या नाम? अवनी। अवनी वो फिल्म आपने देखी है? हाँ। भैया हाँ। क्या नाम होता है? अवनी। अवनी कितनी बार देखी आपने? हाँ, बहुत बार देख ली है। अच्छी लगती है? हाँ। डरते तो नहीं हो? नहीं डरते हो? नहीं नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पर काफी लोग है यहाँ पर मेरा। चलिए भीड़ काफ़ी है यहाँ पर, भीड़ हमने देखा काफ़ी नॉन इंटर हम यहाँ पे उत्तराखंड के लोग भी मिले और जिस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित है और धीमे धीमे करके यहाँ पर क्राउड अलग नजर आ रहा है। मैं चलता हूँ धीमे धीमे और भी लोगों से बात करूँ यहाँ पर किस तरह का मौसम है और जिस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और एक झूले का मंजर यहाँ पर नजर आता है और राम की स्तुति तो यहाँ चल ही रही है, साथ में भगू का झूले का एंजॉय लेते हैं यहाँ पर नाना तरह के झूले। थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट ले लेते हैं। आपको सबसे पहले बताइए आपका शुभ नाम जा सकता हूँ क्या? मैं
आपका शुभ नाम? मैं दीपा उपाध्याय। जो आपने अभी आपने एक मूवी चल रही आपने सुना लग रही मुझे होगी संस्कार मूवी, तो कैसी लग रही थी और कैसा मतलब लोगों को जोड़ रही है, क्या कर रही है? सबसे पहले तो मैं संस्कार टीम की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। रियल में प्रेम सिंह हैं, वो मेरे भाई हैं, मेरे सगे भाई हैं, प्रेम सिंह राजेंद्र भट्ट। और संस्कार मूवी देख के काफ़ी हमें अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, परिवार को जोड़ के रखना, परिवार को तोड़ने वाला, जोड़ने वाला, मतलब उसमें संस्कार, जो संस्कार कहते हैं हम लोगों में जो संस्कार होने चाहिए वो संस्कार उसमें है, इसीलिए उसका नाम संस्कार मूवी बनाई है और हमें बहुत पसंद आई। हम फिर दोबारा V3S मॉल में देखने जाएंगे और बार बार जाएंगे और साथियों को भी ले जाएंगे। अब हमारे नज़दीकी मॉल में लग रही है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल 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 जी देखेंगे 100%। संस्कार टीम की जय। मेरा नाम लक्ष्मी रावत है और नहीं मैंने अभी नहीं देखी, पर मैं रामलीला जब खत्म होगी उसके बाद मैं देखने जाऊंगी। मैंने सुना है कि बहुत अच्छी मूवी है तो मैं उसे जरूर देखने जाऊंगी। जिसका नाम ही संस्कार है तो वो मूवी बहुत अच्छी होगी, तो कृपया करके आप लोग भी जाइए देखने के लिए प्लीज। हाँ जी जरूर जरूर जाएंगे देखने, जरूर 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 जरूर। नाम ही से संस्कार लग रहा है तो हम तो जरूर जाएंगे देखने के लिए। धन्यवाद, जय भारत। दोस्तों कब कोई छोटे बच्चे को हमको टिकट देते ना यार, उसकी खुशी जो अलग अलग ही नज़र आती है। और आज हमने एक छोटा सा ऐतिहासिक कार्य किया, मैंने कहा कि उसको छोटी सी खुशी देके जाके आए और उसका एक ये छोटा सा एक गिफ्ट है मेरे तरफ से। मैं चाहता हूँ ऐसी नेक कोई छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे गरीब बच्चे ना उनको थोड़ा सा एक उत्साह मिलना चाहिए और उनको ही ये चीज़ देनी चाहिए यार। हम लोग तो सर सब मौज करते हैं, इन्जॉय करते हैं, लेकिन उनकी छोटी छोटी खुशी में यार बहुत एक अलग ही अंदाज और एक अलग ही एक होता है। और जैसे उसको दी मैंने टिकट ना यार थोड़ा सा मज़ा आ गया, लग रहा है कि यार ठीक है बहुत चीज़ मिल गई है। हम लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा सभी लोग उसको यार कोई भी गरीब बच्चा हो ना यार थोड़ा सा आप खाने पीने में जितना देते हो ना बस थोड़ा सा एक बच्चे को भी अगर तुम दोगे ना तो मैं चाहता हूँ वो बच्चा उसकी खुशी के लिए आप सब कुछ कर सकते हो। तो थैंक यू, यही कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ सपोर्ट करो उन बच्चों को भी जो बेचारे यहाँ गुब्बारे लेके घूम रहे हैं, कोई क्या क्या चीज़ लेकर घूम रहे हैं। बस इतना है कि एक 50 रुपये 100 रुपये भी खर्च करोगे ना तो उनकी दुआएं आपके बहुत सारी काम आएंगी। और यहीं पर मैं ब्लॉग कट करता हूँ, काफ़ी अच्छी यहाँ पर चीज़ हो रही है, काफ़ी लोग काफ़ी भीड़ यहाँ नज़र आ रही है और जितने प्रकार से यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं और अच्छा लगता है इस प्रकार से। तो हाँ ये भैया बता रहे क्या भैया क्या लग रहा है बताइए? बहुत सारे झूले लग रहे हैं, माल आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया, अच्छे डिजाइन बिक रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे और देखने को आया, फुल एंजॉय हो रहा है। तो भैया भी और कुछ भी देखा आपने? भैया की तो बॉडी मस्त है, जिम करते हैं, हम जाते हैं रेड रॉक्स जिम। अच्छा हाँ, लेकिन अभी हमारी बॉडी तैयार नहीं है, अभी हमारी आधी बॉडी बनी हुई है, हाँ अभी चल रही है। भाई देसी खाए तो देसी होनी चाहिए ना, यार दूध दही का काफी अच्छे बड़े मस्त मोला लोग हैं यहाँ पर, काफी अच्छा है, ऐसे ऐसे भाई बंधु आते रहे, जुड़ते रहे। थैंक यू सो मच भैया, आपका बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक अलग ही मजा आ रहा है, जिस तरह से अभी देखो मेरे साथ कुछ लोग जुड़े और मुझे अच्छा लगा था जिस तरह से बोल रहे थे यार, अलग ही यार एक उन्होंने एक अपनी बताइए भाई, देखो झाड़ गुजर जुल है लेकिन बहुत अच्छी संस्कृति सभ्यता है, उनके अंदर एक अलग जोड़ने का समय है। और मैं चाहता यहाँ काफ़ी भीड़ काफ़ी क्राउड आती रहेगी, हर हमेशा यहाँ हो रही है रामलीला जो आप देखने वाले हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ पर होने वाला दशहरा, जो आप दशहरा देखने वाले हैं, और दशहरा बहुत जल्दी है, राम की लीला खत्म समाप्ति होने वाली है और ये चाहता कि 12 या 13 तारीख को समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर दशहरे का रोल देखने वाला है और यहाँ पूरी क्राउड आता जाता पूरा देख रहे हो, पूरी पिछड़े से भी आने जाने वाले लोग नजर आ रहे हैं और पूरा एक एरिया अच्छा है यहाँ पर शानदार, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको पूरा कैप्चर करूँगा। यहाँ मेला आपको दिखाया मैंने और जितने भी लोग हैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करें और प्यार दें, सपोर्ट करें थोड़ा सा यार। हम तो ये चाहते हैं कि पब्लिक को दिखाना जरूर, क्योंकि पब्लिक बेचारी यार यार देख रही है अपने आपको और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत घुमा दूँ क्योंकि आने जाने वाले सारे यहाँ लोग नजर आएंगे। हाँ तो हाँ बेटा शेर सवाज, गधे मत बनना कभी, शेर ही बनना है ना। तो इस प्रकार से आप काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा मॉल लग रहा है, छोटी छोटी गाड़ियाँ भी यहाँ रखी गई है बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए और काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े झूले भी हैं। तो जरूर आए एक बार राज बिहार, ये विनोद नगर के अंदर हो रहा है और जरूर एक बार विजिट जरूर करें। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी जो भी चीज़ दिखा रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग यहाँ पर आते जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी यहाँ से एंट्री द्वार है, आप अंदर आ सकते हैं और सीधे आपको सामने मिलेगा झूला और इसी के लेफ्ट हैंड में आपको मिलेगी जहाँ हो रही है रामलीला की पूरी पूरी हो रही है। और लोग आज हनुमान जी को भी देखने वाले हैं, राम जी को देखने वाले, दोनों का मिलन है और हमारे बीच काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे। मैं चाहता हूँ सारी चीज़ संस्कृति सभ्यता से जोड़ करके एक अच्छा यहाँ आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है, जिस तरह से राम जन्म की चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है, राम किस तरह जन्म हुए, राम की अगर आप उस चीज़ को जानना चाहेंगे तभी आपको यहाँ का मजा आएगा। लेकिन अगर मेला घूमने आए तो कोई बात नहीं, मेला घूमें लेकिन राम के बारे में जानना जरूरी है। और जो नहीं जानना चाहता कोई बात नहीं, जो इंजॉय करना चाहते हैं इंजॉय करो अपनी लाइफ में।
क्योंकि एंजॉय भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल से समय मिलता है हमें एंजॉय करने का। और चलिए चलते ज़्यादा बात नहीं करते, यहाँ पर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का, ऐसे जुड़ते रहे, आते रहे और इस मेले के आनंद लें। और काफ़ी भीड़ मेला है यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे जिद करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो चलते हैं यहाँ पर। और ये छोटी मेले की यहाँ मार्केट है पूरी, ये जो मार्केट लगी हुई है, चलिए चलते हैं। ओके बाय, चले। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये टिकट एक किसी गरीब बच्चों को देने वाला हूँ, तो आज ले लो। है भाई झूलो, झूलने झूला झूला झूलेगा, झूला झूलेगा है ना? हाँ भाई, ले लो भाई, यह भी पास है, झूलो झूलो का खाने वाने का। अब एक किताब दे, अब एक किताब मेरे पास नहीं सुनो, अगली बार पूछ देंगे, ठीक है? कल आएंगे, जो ला दो भैया, कल देंगे, कल है जो ला दो भैया, एक किताब मेरे पे दे भाई, वीआईपी में बैठ, ठीक है? ये बड़े यार, हाँ कहीं भी दो दो दूसरा दो दूसरा है, कल फिर एक और बच्चे को लकी ड्रॉ देंगे, दो चले वो कल भी तैयार रहने, कल लकी ड्रॉ करेंगे, ठीक है? मुझे भी झूला दो, चलो यहां पर एक बच्चे को हमने दे दिया है, इस प्रकार छोटे से बच्चे को दिया, पर कल इस बच्चे को देंगे। आपका नाम क्या बता बेटा? साजन। कल लेगा टिकट? लेगा पक्का? हाँ भैया, ठीक है। बच्चे को सब्सक्राइब करेगा? हाँ भैया, रोज करेगा बच्चा, क्या गुब्बारा बेच रहा है? हाँ भाई, कल तेरे को टिकट मिलेगी, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलते यहाँ पर दिखा रहे किस प्रकार से सभी लोग यहाँ पहुँचे, और यार यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और चारों तरफ का नजारा है, छोटे से बच्चे को हमने जैसी खुशी देखने में मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है बेटा, कैसा लग रहा है टिकट लेके? अच्छा लग रहा है, टिकट लेके कौन झूले में चलेगा? बड़े वाले झूले में। पक्का? पक्का। चलिए ठीक है बेटा, इसको गुब्बारे दे दियो, बाद में कल इसको दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ, कल इसको दे। चल ठीक है, बाय बाय। टिकट अच्छी लगती है जब छोटे छोटे बच्चे को एक खुशी मिलती है ना, एक अलग आनंद मिलता है। यहाँ देखा जा रहा है अभी भी क्राउड, इतना भीड़ है जो आ रही है यहाँ पर, भीड़ पे भीड़ और लोग के आने जाने की चल रही है। और ये कामधेनु रामलीला है जो विनोद नगर राज सागर के अंदर हो रही है, और भीड़ पे भीड़ चारों तरफ से भीड़, इधर से आना जाना, और काफ़ी यहाँ कोऑपरेट भी करना पड़ा, काफ़ी बच्चे यहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग सी चीज़ दिख रही है, पूरी रोड को सजाया गया यहाँ पर, चारों तरफ का दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर पूरी गांव है। और ये कामधेनु है रामलीला आपको नज़र आ रही है, और यहाँ आगमन है आपका, सीधा आप जा सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कामधेनु रामलीला।